नमस्कार सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। साउथ के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, साउथ ईस्ट के बारे में भी बताया है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्यों इस डायरेक्शन को इतना खतरनाक या खराब माना जाता है। वास्तु में साउथ वेस्ट का जो द्वार होता है आपका, उसको राहु का द्वार भी कहा जाता है। अब राहु क्या है? छलावा। आपके जीवन में जितने भी छल हो सकते हैं उनकी आप कल्पना कर लीजिए, और ये द्वार आपके लिए वही सब लेकर के आता है। चाहे वो आपकी संतानहीनता हो, संतान संबंधी समस्या हो, चाहे वो आपकी आर्थिक तंगी हो, या फिर आपके ऊपर चढ़ता हुआ कर्जा हो, या फिर पति पत्नी के झगड़े, वजह सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का द्वार होता है। अब बात करते हैं रेमेडी की, क्योंकि जब वास्तु आती है तो बिना तोड़फोड़ के क्या रेमेडी करी जा सकती है अगर आप ये प्रॉपर्टी ले चुके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है कि हर बृहस्पतिवार को गंगा जल के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी घोलिए, और उसके बाद अपना जो आपका मुख्य द्वार है उस पर आप एक रेखा खींच दीजिए। कोशिश करिए कि हर बृहस्पतिवार आप ये उपाय करते रहें, जब तक कि आपको आपके परिवार में मनचाही सफलता ना मिले। दूसरा उपाय है कि आप बगुआ मिरर जो है वो आप यूज करें, लेकिन बगुआ मिरर यूज करते हुए ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिरर की पोजीशन है वो एग्जैक्ट वही हो जहां से रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो फिलहाल सितारों की दुनिया में इतना ही।